साथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। शिंदे के समर्थन में कई विधायक हैं जो मिलकर सरकार गिरा सकते हैं। इन सबके बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भाजपा के साथ जुड़ जाने पर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ साफ बता दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में वो जा रहे हैं, क्या उद्धव ठाकरे के साथ धोखेबाजी वो कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है शरद पवार का, सुनिए जरा। सर, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, शिवसेना के विधायक जो है कई सारे सूरत में पहुंच गए, आपको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरा है, सरकार गिरने वाली है? कि ये जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में जिसे थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले जो हुए थे, मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में, गुजरात में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद फिर से 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीसी है कि एनसीसी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को 2 वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था, वो पूरी तरह से मिला। एनसीसी का 1 वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इसे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था, इसे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रेंड का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटे की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पोलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, इसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापिस जाने के बाद जरूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं, इस पर हम ध्यान देंगे। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे बार बार कह रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? सरकार सर जिस तरीके से एक मिनट यार चुप रहो। अरे यार सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर संकट दिखाई दे रहा है, अरे एक क्वेश्चन टाइम होगा ना, वो एक सरकार बचा दिया था, क्या इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे, उम्मीद है आपको? मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? भाई ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है, अभी तक उन्होंने हमें या और किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, जैसे सीएम एनसीपी के पास है और इंफॉर्मेशन बाकी जो मंत्रालय है इसकी जिम्मेदारी सरकार के कांग्रेस के ऊपर है। जहाँ तक बीजेपी में कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना, वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है, इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें लगती नहीं। सर, लेकिन एकनाथ शिंदे जेपी नड्डा और अमित शाह को भी मिलने वाले हैं आज, कौन किसको मिलने वाला, हम कैसे करेंगे? सर कल के एमएलसी इलेक्शन में 134 विधायकों का समर्थन बीजेपी को प्राप्त हुआ है, जिस पार्टी के मुख्यमंत्री है उस पार्टी के सारे वोट भी शिवसेना उम्मीदवार को नहीं मिले हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्रॉस वोटिंग सरकार के लिए खतरा है? नहीं, ऐसे जब इलेक्शन होते हैं तो क्रॉस वोटिंग होते हैं, ये कोई आज की बात नहीं, इससे पहले पिछले 50 सालों में
कई बार मैंने देखा है कि क्रॉस सेंसिंग होता है, क्रॉस सेंसिंग होता है और फिर सरकार करती है। सर क्या अलायंस में भी कुछ मतभेद है? सर अलायंस में कुछ मतभेद है क्योंकि ये क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है? नहीं, ऐसा है कि अलायंस में बिल्कुल मतभेद नहीं है। क्रॉस वोटिंग तब होते हैं कि समझो मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे कुछ दो चार वोट की कमियाँ है, तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट कहीं हो तो इस पर मैं ध्यान देता हूँ और इसमें कुछ ना कुछ वोट कैसे मुझे मिलेंगे इस पर मेरा ध्यान होता है। इससे कुछ क्रॉस वोटिंग इधर उधर होती है। एक जैसे आपको एक बार एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस पर आई थिंक 1980 में मेरे पास खाली 6 MLA थे, 6 और 6 MLA के आधार पर हमने 45 वोट लेकर सुदेश शर्मा जी को राज्यसभा को चुनकर लाया था 6 वोटों। ये हो सकता है जैसे रिश्ते आपके हैं इस पर ये इलेक्शन में कामयाबी मिलती है ये डिफीट होता है। सुनने में आ रहा है जो सूरत गए विधायक उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है वो एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़े। ये जो आप कहते हैं मेरे कान से ये बात आई है उद्धव ठाकरे जी ने उनके पार्टी की मीटिंग बुलाई है और वो आज सुबह बैठने अभी जो आफ्टरनून में बैठने वाले है। बैठने के बाद एक बार इनके इंटरनल डिस्कशन हो जाएगा तो हम इनसे बात करेंगे। आज ये इशू एनसीसी का इंटरनल इशू नहीं है, ये शिवसेना का इंटरनल इशू है। मुंबई आप जा रहे हैं सर? जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात है शाम को सर? कब जाएंगे सर? मुझे अभी मिलते हैं 2:30 बजे। मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है? प्रेसिडेंट कैंडिडेट सिलेक्शन के बारे में आज जो हमने मीटिंग बुलाई है ये मीटिंग खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू लव इट। सर आपको संकट मोचक कहा जाता है, खासतौर पर पिछली सरकार भी आपने बचाई थी। एकनाथ शिंदे से क्या आपकी कोई बातचीत हुई है या किसी विधायक से बातचीत हुई है जो सूरत में ठहरे हुए हैं? मेरे किसी से बात नहीं, तो कहां ठहरे ये भी मुझे मालूम। सर डू यू कॉन्फिडेंट दैट आगामी गवर्नमेंट हैज अ नंबर? सर एक तरफ आप कह रहे हैं, सर आप कह रहे हैं कि ये शिवसेना का इंटरनल मैटर है लेकिन खतरे में सरकार है, तो आप क्या समझा जाए कि एनसीपी और शिवसेना साथ नहीं है इस संकट को लेकर, फिर कैसे होगा इसका समाधान? बिल्कुल हम कांग्रेस एनसीपी शिवसेना हम तीनों ही साथ, मगर जब तक एग्जैक्टली क्या इशू है और कैसे रिजॉल्व करना इसमें शिवसेना की गाइडलाइन हमें मिलती नहीं, तब तक इसे हम कुछ कदम उठाना ठीक है। एंड सर एक गवर्नमेंट कॉल, सर एक गवर्नमेंट कॉल, आर यू ओपन टू गो विद बीजेपी सर? आर यू ओपन टू गो विद एनी अलायंस विद बीजेपी सर? एक गवर्नमेंट कॉल पूरे संकट को लेकर शिवसेना के तरफ से कोई आपसे संपर्क नहीं किया गया है, ये दिक्कत आई है उनके विधायक के चले गए भाग गए, तो आपसे बातचीत नहीं हुई है? नहीं, आज वो दोपहर को हम मिलकर इसमें इन डेप स्टडी करेंगे और शाम को आप लोगों को बताएंगे, ऐसा हमें संदेश आया है। सर अगर गवर्नमेंट गिरती है या कुछ जो उथल पुथल चल रही है क्या बीजेपी के साथ जा सकती है एनसीपी अगर कुछ खतरा होता है गवर्नमेंट कुछ तो सेंसिबल क्वेश्चन? सर अगर सरकार गिर जाएगी तो कहीं तो एनसीपी जाएगी? अपोजिशन में भी बैठ सकती है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी लेकिन। अच्छा सर बस आखिरी क्वेश्चन, आप चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं या कोई मुलाकात की बातचीत हुई है? तय हुआ टाइम रात को, आज रात को उनको समय होगा तो शायद मिल सकते हैं, शायद क्योंकि ये तय नहीं हुआ, मगर मुझे पार्टी के तरफ से कोई तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन पक्की क्या है इसका ब्रीफिंग हमें मिलेगा और इसके ऊपर आगे की नीति तय करेंगे। साहब शिवसेना अनेक बंड तुम्ही बघितले असतील, यावेळेस बंड मोठा आहे असं वाटतं, यावेळेस बंड मोठा आहे असं वाटतं त्यांच्या वक्ता।
मोहर लग गई है ट्वीट किया है सर कि वो ट्वीट किया है। थैंक यू।